तो अभी से कुछ महीने पहले जो लैपटॉप लेने का बजट रेंज था ना, वो अराउंड 30,000 रुपीज था। एंड उसमें आपको मिनिमम से मिनिमम राइजन 3 प्रोसेसर या फिर i3 10th generation प्रोसेसर देखने को मिल जा रहा था। बट जैसे लैपटॉप्स के प्राइस हाई हुए हैं एंड बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी आ गए मार्केट में, तो तभी से आपको लैपटॉप लेने में बहुत ज़्यादा झंझट हो रही होगी। चाहे आपको उस लैपटॉप में कोडिंग करनी हो, अकाउंटिंग करनी हो, व्लॉगिंग करनी हो, वेब डिज़ाइनिंग करनी हो, ट्रेडिंग या सभी पर्पज के लिए चाहिए, फोटोशॉप के लिए या फिर ओकेजनल गेमिंग के लिए चाहिए, आपके लिए मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च करके ले आ चुका हूँ टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000। तो यार लिस्ट में हमारे नंबर 5th को लैपटॉप था, वो ASUS की तरफ से आने वाला ASUS का वीवो बुक 14। एंड ये लैपटॉप की डिज़ाइन की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्लिम लैपटॉप है एंड इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेट आपको 3,990 रुपीज़ देखने को मिल रहा है। बात करें से कुछ स्पेक्स की तो इसमें डिस्प्ले 14 इंच की इंटेल का i3 11th generation का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। एंड उसी के साथ साथ इस प्रोसेसर की बेस स्पीड की बात करें तो 3.0 GHz एंड इसकी टर्बो मैक्स स्पीड की बात करें तो आपको 4.1 GHz देखने को मिल जाती है। 8 GB की DDR4 3200 MB वाली रैम है, जिसमें से 4 GB ऑनबोर्ड रैम है, बाकी 4 GB को आप एक्सपैंड कर सकते हो अप टू 12 GB। एंड इसमें आपको स्टोरेज की बात करें 256 GB की NVMe M.2 SSD देखने को मिल जाती है। एंड ये भी एक्सपेंडेबल स्टोरेज है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। बात करें इस लैपटॉप के वेट की तो बहुत ज़्यादा कम इसका वेट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि है सिर्फ और सिर्फ 1600 grams। एंड इस लैपटॉप में आपको सारे के सारे नेसेसरी पोर्ट देखने को मिल जाएंगे, टाइप ए, टाइप सी एंड HDMI पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे, विंडोज 11 प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है एंड MS Office 2001 का लाइफ टाइम सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो बात करें इस लैपटॉप के ओवरऑल डिज़ाइन की, तो यार बहुत अच्छा डिज़ाइन है। मेरे ख्याल से यार जो बिजनेस पर्पज के लिए लैपटॉप लेना चाहते हैं ना, वो इसे जरूर ले सकते हैं। तो बात करें इसमें नंबर 4th वाले लैपटॉप की, तो आता है HP 14S। एंड ये जो लैपटॉप है ना, वो देखने के साथ साथ ये सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग लैपटॉप है इस रेंज के अंदर, जिसमें 14 इंच की स्मॉल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। एंड तो बात करें स्पेक्स की, तो इसमें डिस्प्ले आपको 14 इंच की देखने को मिल जाती है, IPS LED डिस्प्ले है। एंड बात करें प्रोसेसर की, तो इसमें Ryzen 3 5300U का प्रोसेसर देखने को मिलता है। एंड इसके साथ आपको इसमें RAM के 2 स्लॉट देखने को मिलते हैं एंड 8 GB की 3200 MHz वाली सुपर फास्ट आपको RAM देखने को मिल जाएगी एंड इसे आप एक्सपैंड कर सकते हो अप टू 60। बात करें इसके और स्टोरेज की, 512 GB की NVMe M.2 SSD देखने को मिल जाती है, जो कि अपग्रेडेबल अप टू 1 TB तक। बात करें इसके लैपटॉप ग्राफिक्स, आपको AMD की तरफ आने वाले AMD Radeon ग्राफिक्स देखने मिल जाएंगे एंड विंडोज 11 का लाइफ टाइम सपोर्ट देखने को मिल जाएगा एंड साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 का भी लाइफ टाइम सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बात करें इस लैपटॉप की कुछ और नए नए फीचर्स की, तो आपको इसमें बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है, मीन्स अगर रात में आप ज़्यादा काम करते हो ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड बात करें इस लैपटॉप की वेट की, तो यार बहुत ज़्यादा कम इस लैपटॉप का वेट है, अराउंड 1400 grams, मीन 1.4 kg इसका वेट है। इजी टू कैरी लैपटॉप है एंड जैसे कि मैंने कहा, बिजनेस पर्पस के लिए लेना चाहते हो तो यार बहुत ज़्यादा अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो उसकी बैटरी बैकअप की बात करें, तो इसमें कंपनी क्लेम करती है हमारी 9 hours की बैटरी, बट मैं कहूँगा इसकी बैटरी आपको 5 to 6 hours का बैकअप दे देगी। बात करें इसकी और ज़्यादा डिज़ाइन की, लुक्स की, तो लुक्स में एकदम परफेक्ट है, लेंस की तरफ डिसीजन लिंक से ही बाय करना। एंड चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ एंड लिस्ट में नंबर 3rd वाला लैपटॉप आता है, वो आता है हमारा डेल की तरफ से हमारा डेल न्यू 15। यार डेल की तरफ से हमारा सबसे मिनिस्ट्रिक लैपटॉप है एंड ये बहुत जल्दी अभी हाल ही फिलहाल में लॉन्च हुआ है एंड इसका डिस्प्ले आपको 15.6 इंच का बड़ी FHD HD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। बात करें इसके कीबोर्ड की, तो यार बहुत ज़्यादा मिनिस्ट्रिक कीबोर्ड है। उसी साथ साथ अगर इसके स्पेक्स की तरफ नजर डाली जाए, तो इसमें आपको 15.6 HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, LED डिस्प्ले उसको देखने को नहीं मिलेगी। एंड उसी के साथ साथ आपको उसमें i3 11 जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जिसकी बेस और मैक्स स्पीड मैं आपको ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका हूँ। 8 GB की DDR4 रैम देखने को मिल जाएगी, जो कि क्लॉक्ड है 2666 MHz के ऊपर एंड इस रैम को आप एक्सपैंड कर सकते हो अप टू 16 GB। बात करें इसे कुछ और स्टोरेज की, तो आपको इसमें 256 GB की NVMe M.2 SSD देखने को मिल जाती है, जो कि भी एक्सपेंडेबल है अप टू 1 TB। आपको इसमें सारे नेसेसरी पोर्ट देखने को मिल जाएंगे एंड ये रैपिड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। इसकी अप्रॉक्सीमेट 80% बैटरी ना जस्ट से जस्ट 60 मिनट में चार्ज हो जाती है। फुल साइज कीबोर्ड आपको देखने मिल जाएगा एंड नम पैड भी इंक्लूडेड है, बिकॉज इसके डिस्प्ले है 15.6 इंच, मीन्स आपको यार कीबोर्ड तो फुल साइज मिलना ही था, तो लिंक से डिस्क्रिप्शन वहीं से जाके बाय करना। एंड बात करूँ इस लैपटॉप को, अगर आप एक होम पर्पज़ के लिए लेना चाहते हो तो आप उसे ले सकते हो, ऑफिस वर्क के लिए यार थोड़े से लाइट वेट लैपटॉप को कंसीडर किया करो तो यार वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो लिस्ट में जो अगला लैपटॉप आता है, वो आता है हमारा HP की तरफ से वाला HP 15S। तो यार मेरे ख्याल से ये वाला वही बहुत ज़्यादा मोस्ट सेलिंग लैपटॉप है
एचपी तरफ से, एंड ये बेसिकली स्टूडेंट पर्पज़ को टारगेट करता है। जो डिस्प्ले आपको इसमें 50 MAH की एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने मिलेगी, मीन्स आपकी आंखों पर भी बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, एंड 250 nits की ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाएगी। 45% का एंटी एसी रेट है। एंड बात करें प्रोसेसर की तो उसमें AMD Ryzen 3 5300U प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। बात करें कुछ रैम की तो उसमें 8GB की ऑनबोर्ड रैम देखने को मिल जाएगी, एंड साथ ही साथ आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो 16GB तक। एंड उसी के साथ आपको 512GB की NVMe M.2 SSD देखने को मिला। 5160 की डिस्प्ले है, तो मीन्स आपको यार नमपैड एंड फुल साइज कीबोर्ड तो देखने को मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ ये वाला कीबोर्ड जो बैकलिट है, तो बात करें इसके वेट की तो यार वेट भी उतना ज़्यादा नहीं है, जस्ट 1.6 kg इसका वेट है। एंड इसमें आपको सारे नेसेसरी पोर्ट देखने को मिल जाएंगे। तो यार बात करें इसकी डिज़ाइन की, तो मतलब नॉर्मल सा डिसेंट बिल्ड डिज़ाइन है, इतना कोई स्टाइलिश लुक नहीं देता यार। डिज़ाइन के बारे में ज़्यादा बात ना करते यार, देखा जाए तो यार ब्रांड आपको अच्छा मिल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए एक लैपटॉप लेने का सोच रहे थे ना, तो यार ये लैपटॉप आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ। तो हमारे लिस्ट में जो नेक्स्ट लैपटॉप आता है वो आता है हमारा लेनोवो की तरफ से आने वाला लेनोवो पैड स्लिम 3। तो यार अगर आप एक थोड़ा सा लाइट गेमिंग करने के लिए एक लैपटॉप ढूंढ रहे थे यार, थोड़ा सा जिसमें आप डिसेंट गेमिंग कर पाओ, तो यार दिस इज द लैपटॉप भाई। इसमें आप अपने प्रोफेशनल काम के साथ साथ थोड़ी बहुत कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हो। तो बात करें इसके स्पेक्स से, आपको जो 15.6 inch की एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। एंड उसके साथ साथ 15 inch डिस्प्ले है, तो यार नम पैड भी इंक्लूडेड आपको ऑब्वियसली देखने को मिल जाएगा। एंड उसके साथ साथ लेनोवो का जो सबसे मेन फीचर होता है यार, प्राइवेसी शटर भी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। 80% ऑफ योर बैटरी अराउंड 1 hour में चार्ज हो जाती है। 2 साल की आपको वारंटी देखने को मिल जाती है यार लेनोवो की तरफ से। तो यार मीन्स आपको डबल वारंटी का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जहां अदर ब्रांड आपको 1 साल प्रोवाइड करते हैं, लेनोवो आपको प्रोवाइड करती है 2 साल। विंडोज 11 एंड माइक्रोसॉफ्ट 2021 का लाइट सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड वही सेम इंटेल का i3 11 जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसकी स्पेक्स मैं ऑलरेडी वीडियो में आगे बता चुका हूँ। तो रैम की बात करें तो इसमें 8GB की DDR4 3200 MHz वाली रैम देखने को मिलती है, जिसमें से 4GB ऑनबोर्ड रैम है, एंड बाकी 4GB को आप एक्सपैंड कर सकते हो। स्टोरेज की बात करें तो इसमें स्टोरेज के आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, 512GB वाला एंड 256GB वाला। जैसा आपका बजट है आप उस हिसाब से एक लैपटॉप ले सकते हो। दोनों ही SSD M.2 NVMe SSD हैं, मीन्स यार आपको स्पीड में कोई भी ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो तो इसमें आप डिस्प्ले की भी साइज़ को वैरी कर सकते हो, मीन्स अगर आप 40 inch का डिस्प्ले वाला लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, एंड अगर आप 15 inch का डिस्प्ले वाला लेना चाहते हो वो भी आप ले सकते हो। बैटरी बैकअप अराउंड 5.6 hours देखने मिल जाएगा, एंड इसमें आपको सारे नेसेसरी पोर्ट देखने को मिल जाएंगे। एंड ऑब्वियसली बात है, इस लैपटॉप का भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो यार ये थे कुछ top 5 बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको प्राइस पता करना हो, चेक करना हो, तो यार नीचे जाके आप चेक कर सकते हो। अगर आप सेल में लेते हो तो यही लैपटॉप आपको अराउंड 36,000 to 37,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। एंड यार मैं सोच रहा था अपना फेस रिवील करने के लिए, तो यार उसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुकी है, आई थिंक कुछ आवर्स पहले या एक दिन पहले। अभी मैं जिस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस समय मेरे को एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, बट मैंने डाली है। एंड उसके ऊपर अभी तक तो बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, एंड अगर ऐसे ही रिस्पांस आते रहे तो मैं यार जल्दी जल्दी अपना फेस रिवील कर दूंगा। तो यार मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।